गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड एक हमारे व्यूअर ने एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में जानकारी पूछी है कि एक साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, SIP कंटिन्यू करूँ या एग्जिट कर दूँ। तो और लोगों, आप में से भी कोई लोग हो जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वीडियो पूरा देखो, अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर बात करते हैं इस फंड की तो 2013 से है फंड, तो 8-9 साल तो फंड को हो चुका है। अभी की अगर बात करते हैं तो 67% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है, लगभग 2% के आसपास लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है एंड 12.5% ये मिड कैप में इसने इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। 18.6% अदर्स में, जो कि जो हम इक्विटी कैश एलोकेशन देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आया कि कहाँ पे ये 18.5% के आसपास पैसा गया हुआ है। चलो अब बात करते हैं इस फंड की, तो 5 स्टार की रेटिंग अभी भी फंड की बरकरार है। लगभग 11,350 करोड़ का फंड का साइज हो चुका है, तो ठीक ठाक सा फंड का साइज भी यहाँ पे हो चुका है। अगर टॉप होल्डिंग्स फंड की देखते हैं तो फाइन ऑर्गेनिक्स में, नारायणा हृदयालया में 4.5-4.5% का इन्वेस्टमेंट है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में 4% का है, CCL प्रोडक्ट्स में 3.5%, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में भी 3.5%, कृष्णा इंस्टीट्यूट में 3.2%, JK लक्ष्मी 3%, बिरला सॉफ्टवेयर में 2.8%, सिटी यूनियन बैंक 2.8% एंड RHI मैग्नेसीटा में 2.8%। तो टॉप अगर होल्डिंग्स देखते हैं तो ये टॉप 10 स्टॉक्स तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बिजनेसेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी है। मार्केट में गिरावट हुई है तो इन सब में भी गिरावट हुई है, और स्मॉल कैप है तो स्टॉक्स तो खासकर ज़्यादा गिरावट हुई है, लेकिन एज ए बिजनेस अगर देखते हैं तो ये सारे बिजनेसेस काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे अगर इक्विटी कैश का स्प्लिट देखते हैं तो वही जो 18.5% वहाँ पे अदर्स में दिख रहा था, 18.8% का इन्वेस्टमेंट इसने डेट के अंदर किया हुआ है एंड 0.5% का कैश में किया हुआ है और 81.7% इक्विटी में किया हुआ है। तो यहाँ पे 80% इसने लगभग इक्विटी में किया है, 20% डेट में किया है, तो डेट में तो कम रिटर्न मिल रहा होगा, अभी जो रैली भी आई होगी उसका भी फायदा इसको नहीं मिला होगा। तो चाहे जो भी स्ट्रैटेजी हो फंड मैनेजर की, लेकिन वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे मुझे लगता है काम नहीं करी। जो पैसा इनको इक्विटी में लगाना चाहिए था वो पैसा ये डेट में लगा कर बैठे हुए, जिस कारण से इनको अभी रिटर्न कम मिल रहा होगा जैसा मुझे लगता है। वो तो अभी रिटर्न्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये डेफिनेटली यहाँ पे गलत स्ट्रेटजी निकल के आती है। बात करते हैं अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन, तो सेक्टर वाइज एलोकेशन इनका काफ़ी अच्छा है। टॉप एलोकेटेड सेक्टर कंस्ट्रक्शन का है जहाँ पे 20% का एलोकेशन है, सेकंड टॉप केमिकल जहाँ पे 18%, देन अदर 17%, हेल्थ केयर 12, फाइनेंशियल 10, टेक 10, कंज्यूमर स्टेपल्स 5.7 एंड मेटल्स एंड माइनिंग 5.5% का एक्सपोजर। यहाँ अल्फा की बात करते हैं तो 5.87 का अल्फा ये जनरेट कर रहे हैं। अल्फा तो है ठीक ठाक, लेकिन स्मॉल कैप की कैटेगरी में इससे ज़्यादा अल्फा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, तो एवरेज अल्फा मैं यहाँ पे कहूँगा। लेकिन जब अगर बीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे बीटा काफ़ी बढ़िया, मतलब स्मॉल कैप की कैटेगरी में भी बीटा ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है, तो इस बीटा के अगेंस्ट में ये अल्फा तो काफ़ी ज़बरदस्त मैं यहाँ पे कहूँगा। उसके साथ अगर शार्प रेशियो की बात करते हैं तो 1 से ऊपर है थोड़ा बहुत, मतलब शार्प शॉर्ट दोनों 1 के पास ही हैं, तो इसको भी हम ठीक ठाक सा बढ़िया सा कह सकते हैं, बहुत सुपर नहीं कह सकते। लेकिन बीटा मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुपर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज है फंड। क्यों है बीटा इतना कम, क्यों है? क्योंकि डेट के अंदर लगभग 20% का इन्वेस्टमेंट है, इसी कारण से ओवरऑल इनकी जो फंड साइज है उस पर बीटा इतना कम निकल के आ रहा है और अल्फा भी उसी कारण से कम हो गया है। चलिए बात करते हैं अगर रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अगर हम देखते हैं तो 11वें नंबर पे ये रैंक कर रही है और 7.3% का इसने रिटर्न दिया है यहाँ पे एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न 3% का, तो कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न इसने निकाल के दिया है, लेकिन पूरी स्मॉल कैप की कैटेगरी में बहुत बढ़िया नहीं कर पाई है, 11वें नंबर पे खिसक गई है। तो एक साल के तो वैसे हम नहीं ज़्यादा अहमियत देते, लेकिन फिर भी 3 ईयर्स का अगर हम देखते हैं तो 29.4% का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जहाँ पे 3 ईयर्स में 40-40% का रिटर्न यहाँ पे निकाल के दे रहे हैं स्मॉल कैप फंड, इसने 30% का एनुअलाइज दिया है और लगभग कैटेगरी का भी 31% का है, तो कैटेगरी से इसने खराब परफॉर्म किया है 3 ईयर्स में और 17 नंबर पे ये रैंक कर रहे, जो कि बहुत बुरा है 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस ऐसी म्यूचुअल फंड के लिए। एक्सिस बहुत बढ़िया एक्सिस का स्मॉल कैप फंड यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था और अभी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बात करेंगे डिटेल में, बात करेंगे पहले जो फंड की डिटेल्स है वो देख लेते हैं। 5 ईयर्स की बात करते हैं तो 19.4% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अभी भी है, 12.2% का कैटेगरी का था उस टाइम पे एंड 1 नंबर पे रैंक कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है इसकी रैंकिंग में और टाइमिंग में। ऑल टाइम में अभी भी 24.5% का रिटर्न निकाल के दे रही है,
तो एक ऐसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जिसका डायरेक्ट प्लान ऑल टाइम में मतलब 2013 से अभी तक लगभग 25% का एनुअलाइज रिटर्न जिसने निकाल के दिया है, ऐसा स्मॉल कैप फंड जिसने पिछले 5 सालों में 20% का एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है और कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेहतर है और रैंक भी एक नंबर पे 5 साल अपनी कैटेगरी में कर रही है, वही स्मॉल कैप फंड पिछले 3 सालों में अपनी कैटेगरी से अच्छा क्या कैटेगरी के बराबर भी परफॉर्म नहीं कर पाई, 17वें नंबर पे खिसक गई है। तो इसका रीजन ये एक निकल के आता है कि पिछले 3-4 सालों में स्मॉल कैप कैटेगरी जो है, एक कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की, उसके अंदर में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी सारी स्कीम्स यहाँ पे इंटर कर गई है। तो ये रीजन है जिस कारण से पिछले 3 साल में इसकी बहुत ज़्यादा खराब है परफॉर्मेंस, और पिछले 1 साल में भी खराब ही कहूँगा, थोड़ा सा बिलो एवरेज ही परफॉर्मेंस यहाँ पे कहूँगा। चलो बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.51 का एक्सपेंस रेशियो है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अनुपम तिवारी 2016 अक्टूबर से फंड के साथ जुड़े हैं एंड दिसंबर 2020 से हितेश दास फंड के साथ जुड़े हैं। तो अभी नियर टर्म में तो कुछ फंड मैनेजमेंट के अंदर भी चेंजेस नहीं आई है, तो नियर टर्म में फंड के अंदर चेंजेस भी नहीं है फिर भी फंड इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है। देखो फंड के अंदर जब से एक्सिस का जो स्कैम निकल के आया था कि एक्सिस के अंदर में 2 फंड मैनेजर्स फ्रंट रनिंग वाला काम कर रहे थे, उस टाइम से एक्सिस एएमसी के सारे ही फंड्स के हालात यहाँ पे खराब हो चुके हैं। और अगर पर्टिकुलरली इस फंड की बात यहाँ पे करते हैं तो देखो फंड के अंदर में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, फंड के अंदर में कुछ भी खराबी नहीं है, बस ये फंड मतलब होल्डिंग्स की बात करें, रेटिंग्स की बात करें, फंड साइज की बात करें, फंड मैनेजर्स भी नहीं चेंज हुए हैं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी बढ़िया फंड ने दिया है। अभी क्या हुआ है इस फंड की अगर मैं प्रॉपरली बात करूं तो यहाँ पे जो इन्होंने 20% का लगभग जो इन्वेस्टमेंट डेट के अंदर कर दिया है, जिस कारण से अभी देखो 100 रुपये है, 100 रुपये अभी जो ओवरऑल हम फंड का रिटर्न देखते हैं जो कैटेगरी के अगेंस्ट में हमें रिटर्न दिख रहा है या रैंकिंग दिख रही है, वो 100% के रिटर्न, 100 रुपये के ऊपर के रिटर्न के ऊपर दिख रही है। लेकिन यहाँ पे 100 रुपये पे रिटर्न तो ये स्मॉल कैप फंड जनरेट कर नहीं रही है, 100 रुपये में से 80 रुपये पर ही अच्छा रिटर्न इनको मिल रहा है, 20 रुपये पे तो अच्छा रिटर्न मिल नहीं रहा क्योंकि वो डेट में इन्वेस्टमेंट है, वहाँ तो कम रिटर्न मिल रहा है और इस कारण से इसका नियर टर्म में रिटर्न घट गया है। अभी देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि फंड मैनेजर तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ कि मैं कहूँगा कि स्ट्रेटजी चेंज कर दिया, स्ट्रेटजी काम नहीं की, ठीक है, फंड मैनेजर्स तो यहाँ पे जो भी हैं पुराने हैं, तो ये हो सकता है कि उन्हीं फंड मैनेजर्स की कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पे होगी कि वो अभी इक्विटी के अंदर पूरा ऑल इन नहीं जाना चाहते, उन्हें मार्केट यहाँ पे ओवर वैल्यूड लग रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है जिस कारण से वो ऑल इन नहीं हो रहे इक्विटी के अंदर, ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है फंड मैनेजर की जो यहाँ पे देख के लग रहा है। अगर पैसा भी नहीं डालना चाहूँगा स्टॉक मार्केट में, मतलब स्टॉक्स में, बिजनेसेस में, इक्विटी में, तो क्यों नहीं डालूंगा, इसीलिए कि मुझे लग रहा हो कि नहीं अभी मार्केट बहुत ओवरवैल्यूड है, थोड़ी सी गिरावट हो जाती है फिर पैसा डालेंगे, यही रीजन हो सकता है। तो यही रीजन मुझे लगता है जिस कारण से इन्होंने इक्विटी में पूरा इन्वेस्टमेंट ना करके काफी सारा इन्वेस्टमेंट डेट में कर रखा है। काफी अभी कुछ समय पहले तक काफी ज्यादा एक्सिस को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि एक्सिस एएमसी के सारे फंड्स काफी ज्यादा कैश होल्ड करके रखे हुए हैं और यहाँ पे इसने कैश नहीं डेट होल्ड करके रखा हुआ है, तो यही रीजन है, बस ये डेट होल्ड करने का रीजन है कि अपनी कैटेगरी में इसकी परफॉर्मेंस इधर खराब हो गई। तो यहाँ पे दो ही सीनेरियो निकल के आते हैं, अगर आपको इन फंड मैनेजर्स पे भरोसा है, आप लंबे टाइम से इस स्कीम के अंदर में इन्वेस्टेड हो, आपको फंड मैनेजर पे भरोसा है, पास में बहुत बढ़िया इसने रिटर्न निकाल के दिया है, तो आपको डेफिनेटली इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आप नए भी इन्वेस्टर हो और अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस फंड ने इतने टाइम से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया था, फंड के अंदर में कुछ भी चेंजेस नहीं आई है, बस 1 साल की स्ट्रेटजी थी जो कि काम नहीं की, तो जैसे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ठीक है फंड मैनेजर की कोई स्ट्रेटजी 1 साल में थी, पिछले 1 साल में वो काम नहीं की, इस कारण से रिटर्न खराब हो गए हैं, और तो आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आप प्योरली रिटर्न बेसिस से देखते हो कि हाँ ये परफॉर्म नहीं किया इसने अच्छा, बाकी फंड तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, रैंक में खराब होते जा रहा है, रैंक में पिछड़ते जा रहा है कैटेगरी में अपने, तो आपको एग्जिट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बनता है। अगर पर्टिकुलरली मैं अपनी बात कहूँ तो मैं इसको थोड़ा और होल्ड करूंगा क्योंकि अभी भी अगर देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में काफी जबरदस्त इसका रिटर्न निकल के आ रहा है, और ऐसा नहीं कि इन्होंने इक्विटी के अंदर पैसा डाल के रखा था तब ये रिटर्न नहीं दे पाए हैं, इन्होंने इक्विटी के अंदर पैसा डाला ही नहीं जिस कारण से रिटर्न कम मिला है।
तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा और अभी भरोसा रखूंगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड के ऊपर, और मेरा पैसा इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा, मैं होल्ड रखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एकदम सही हूँ, फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न दे ही देगा, हो सकता है ये नहीं दे अच्छा रिटर्न, और ये 5 साल के टाइम पीरियड में जो अभी एक नंबर बेस की रैंकिंग दिखा रही है वो भी खराब हो जाए। अगर वो भी खराब हो जाती है देन डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट मार के मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इस फंड पे अभी भी मेरा भरोसा बना हुआ है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप इसमें पैसा डालो या ना डालो, वो आपकी मर्जी है, आपका हार्ड अर्न मनी है। मेरा भरोसा अभी भी इस फंड पे बना हुआ।